पलाक्का गांव कैसा था? छोटा था, जमी जमी छोटा। कितने घर होंगे? बस नहीं, पांच सात। पांच सात घर थे। इस गांव के आसपास कौन कौन से गांव हैं? मंसूरपुर, छारी, खजूरी, बैंडी, बकाना, न्याजी। अंग्रेजों का राज तो आपने देख रखा? हाँ देखा, बढ़िया। अच्छा, कैसा राज था जी? बस ठीक था राज, पर वहाँ जबरदस्ती भर्ती करा थे लोग जाते अद्धे जाकर। किस चीज़ में भर्ती करा थे? उसमें मिलिट्री में, हम तो लोग देख रहे थे। अच्छा, लांगरों में कर रहे थे, कहीं ऊपर चढ़ कर देख देख रही है। हाँ बस आवागे नदी में भर जियो, कहीं खोली में। अच्छा लोग जियो। अच्छा, आपको भी भर्ती करने के लिए आए थे? आए थे, दो बार आए। अच्छा, हाँ तो उन्हें मानी नहीं थी बात। अच्छा, तो अंग्रेज न्यू बतावा जुलम करे करा थे? जुलम तो पक्का करा थे। अच्छा, पाँच छः साल के थे, दस साल के थे, कौन कौन से खेल खेले करो थे? लोग सिमाई खेल रहे ना जाकर, या पोच में कोई से खोल रहा ना, पोच सूट रहा ना, रेट्टे की बोली लगाएगा। है जी? रेट्टे की बोली लगाएगा, एक डक्कर सूट रहा ना रेट्टे में। अच्छा, फिर उन्हें टोहे करा ना, हाँ आंखा मीच का। अच्छा अच्छा, भाई कौन सी बोली मार, दस बीस बोलियाँ ला रहे थे। अच्छा अच्छा, जैसे बैंडी थे मुसलमान हिंदू रहा थे इकट्ठे रहा थे। हाँ बिल्कुल। तो क्या उनमें कुछ आपस में लाग डाट रहा थी? ना पहला कुछ नहीं रहा था किसी में। अच्छा, प्यार प्रेम था? हाँ, प्रेम प्यार। जैसे बंटवारा होया तो फिर हुई? अच्छा, फिर उनके साथ हुई। हाँ। पीढ़ी है हमारे जैसे जो बच्चे हैं, उन्होंने आप क्या संदेश देना चाहोगे, भाई क्या करना चाहिए बच्चे ताकि अमन चैन रहा देश? बच्चे तो ना तेरे मानना ना मेरे मानना, बच्चे तो कन्यू करे तो बाहर मुल्क में जाएंगे। हाँ क्या देखा वहाँ रे, जो सौदा नहीं करता वहाँ किसों कर लेगा। तो आपकी उसमें दंगल में काफी रुचि रही? हाँ बहुत ज्यादा। खुद भी पहलवान थे क्या? थे भाई। अच्छा जी। हाँ जी, वाह जी वाह। थे भाई थे। खान पर गए गुरजाल वादी था। अच्छा, हरजी और फाजा ने पाँच सात शेरू आजाद जेलदार का। अच्छा, मेरे कुश्ती क्यों खो मेरे सौ पचास सौ रुपये बन जा। रोज क्या बात है, मसा थी 40-45 मसा थी। आप सांग देखने पांच पांच सात सात कोस से जाते। अच्छा जी, अच्छा कट्ठे जाने लग लगाड़ी जाते जागतों के। हाँ नमस्कार, आज हम यमुनानगर जिला के खंड रादौर में पलाक्का गांव में हैं और हमारे साथ आज बातचीत के लिए श्री गुलजार सिंह जी मौजूद हैं, इनके घर पे हम हैं और इनकी उम्र 100 साल से अधिक है। इनके जीवन के अनुभवों से हम लाभान्वित होने के लिए, उन्हें जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और मेरे साथ हमारे साथी हिंदी अध्यापक नरेश मीर जी हैं और इनसे बात करते हैं इनके जीवन के अनुभवों से। जब बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, तब इनकी उम्र करीब 25 साल थी और इनकी शादी हो चुकी थी। बाबा जी कद का जन्म है? जन्म कद का है आपका? जन्म 23 दिन का मेरा वैसे। अच्छा जी, ठीक। बंटवारे जब देश का मारकाट छिड़ी तब कितने साल के थे आप? बस ऐसे थे, 24 के 25 के। अच्छा जी, तो पिताजी का माताजी का नाम बता दो। माताजी का नाम पंजाबी,
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਕਾ ਗਾਓ ਕੈਸਾ ਥਾ? ਛੋਟਾ ਹਾ ਜਮੀ। ਜਮੀ ਛੋਟਾ। ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਹੋਗੇ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਚ ਸਾਤ। ਪਾਂਚ ਸਾਤ ਘਰ ਥੇ? ਅੱਛਾ। ਯੂ ਪਲਾਕਾ ਗਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਪਲਾਕਾ? ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਥਾ ਗਾਮ ਜੀ? ਉਹ ਬਾਂਗਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਰਬ ਗੋਤ ਗਿਆ, ਖਰਬ ਗੋਤ। ਨਿਊ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮ ਦੇ ਬਸੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਬਿਆਹ ਕਾ ਬਸਾ, ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਦੇ। ਇਸ ਗਾਮ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਗਾਮ ਹੈ? ਮਨਸੂਰ ਪਰ, ਛਾਰੀ, ਖਜੂਰੀ, ਬੈਂਡੀ, ਬਕਾਣਾ, ਨਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ ਰਾਜ ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ? ਐਨ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀਆ। ਅੱਛਾ, ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਥਾ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਥਾ ਰਾਜ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਜਾਕਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ ਥੇ? ਬੋਲੋ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਕਰਾਂ ਥੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਗਲਾਂਗ ਰੋਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਝਟਕਾ ਦੇਖ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਲੁਕ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਥੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਨਿਊ ਬਤਾਓ ਵੀ ਕਿਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇ? ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਬੰਜੋ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਊ ਬਤਾਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਕਰਾਂ ਥੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਤੋ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ ਥੇ। ਅੱਛਾ, ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਮਾਸ ਪਾਸ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਤੋ ਘਰ ਹੀ ਪਾਂਚ ਸਾਲ ਥੇ ਕੁਲ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਦੋ ਘਰ ਜੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਘਰ ਜੀ ਹੋਣ ਵਗੈਰਾ ਥੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੱਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਾ ਸੌ ਵੋਟੋਂ ਆਏ ਜੱਟੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਬੁਲਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਸੇ ਗਾਉਂ ਤੇ ਆਇਆ ਥਾ? ਬਲਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਖਰ ਬਕੋ ਥਾ ਮਾਰਾ ਯੂ ਬਾਂਗਰ ਮਾ ਆ ਜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਿਊ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਭਈ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਥੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ? ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿਊ ਘਰੇ ਦੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਜਮਨਾ ਤੋੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਰੀਜਨ ਥਾਰ ਦੌਰ ਗੋਨ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁੰਦਰ ਹਰੀਜਨ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਰਦੌਰ ਸੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੇ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਤਾਵਾਂ ਕਾਮ ਕਰਾ ਥੀ, ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ? ਬਹੁਤ ਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੀਡਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਡੇ ਕਾ ਬਾਪ ਦੇਵੀਲਾਲ? ਦੇਵੀਲਾਲ, ਹਾਂ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨਿਕਲ ਸੁਣ ਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ, ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੋ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਨਹਿਰੂ ਹੈ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਭੀ? ਬਸ ਮਿਲਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੋਈ ਜਿਸਮਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਗਾਮ ਮਾ ਰਦੌਰ ਮਾ ਕਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਂਢ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜ ਚਾਰ, ਪਰ ਕਈ ਕਈ ਗਾਉਂ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੀ, ਕਿਉਂ ਵੋਟੇ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਵੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰੇ ਕਾਮ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟਵਾਰੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ, ਆਸ ਪਾਸ ਗਾਉਂ ਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਪਰੇ ਮਾ। ਬਸੰਤ ਪਰੇ ਮਾ, ਯਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਗਾਉਂ ਤੇ? ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੀ। ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਥੀ ਵਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਤਾਓ। ਉਹਨੇ ਥੇ ਰਾਈ
जमीन थी बूढ़ी आड़े की। अच्छा। हाँ, राजा की। और उसमें दाव रखे थे उन्हें। अच्छा। उन पर जमीन नहीं थी कई बस। हाँ नहीं तो जैसे देश आजाद होया, बंटवारा होया, क्या हालात बने उस समय हमारे इस इलाके के, क्या हालात? बस यही बने जी, नहीं तो याद नहीं आ भाई, तंगी थी सब चीजों की। तंगी थी। तो किस तरह आपने, किस तरह पता चला था यहाँ गांव में भाई देश आजाद हो लिया? हाँ देखो जी, हम यमुनानगर जा रहे थे, उस बगल जिस बगल गड्डी आई। अच्छा। लाशों की। अच्छा। जिदी अपना लाशों की गड्डी आई, कहाँ से आई? पाकिस्तान से। अच्छा। हिंदू मारे उन्हें मुसलमानों ने। यमुनानगर में आई थी गड्डी? हाँ, बड़ी यात्रा का डब्बा। अच्छा। आपने देखा था मतलब? हाँ देखा। अच्छा। हाँ, रेल का डब्बा भर यार, बस उसी दिन तो जा गिरी भी था, बस उसी दिन तो ज्यादा काम शुरू। तो बचपन में स्कूल में जाने का मौका मिला अपना? मिल गया था मौका, तो जाने दें तो लोग रोटियां खोस लेंगे, सारा काम करा दे सारे। हाँ जी। रोटी खोस लेंगे। कौन खोस से करा था? पाली खोस लेंगे। अच्छा। बड़े बड़े पाली होते खोस का खा जाते, और चौके मारे की लड़ा कर देख रहे थे शक्कर में पूरा। हाँ खोस लेंगे बस फिर। हाँ भूखे मरा थे फिर स्कूल में जाते, और बूढ़े भी गए मारे उन पर भी तुम्हें नींद पता क्या लो जागते मरे पर बैठे तुम सो रहे। जीत करे करा थे। अच्छा। कितना पढ़े आप? बस एक दो कायदा मंगा उर्दू का। अच्छा, उर्दू पढ़े करा थे उस टाइम? बस उर्दू। अच्छा, कौन से स्कूल में जाया करो थे? यहाँ बैंडी। बैंडी। कितनी दूर था यहाँ से? 1.5 किलोमीटर बैंडी थी। अच्छा। सीधी तो 1.5 पड़ा, मुझे फिर का जहाँ फिर 2 पड़ जा। अच्छा। तो वहाँ बैंडी में स्कूल था? था एक, उस समय जाटों का गेर था उसमें पढ़ाया करा था। अच्छा, कौन पढ़ाया करा था? मास्टर उस्ताद? मास्टर कलाल था। अच्छा। यहाँ थे रदौर का। अच्छा। हाँ जी। किस तरह मास्टर, किस तरह आया करा था? पैदल आया करा था। अच्छा, पैदल आया करा था बैंडी? बैंडी या साइकिल से लग गए थे फिर मिलन। हाँ। पहले कोई तो कार भी नहीं बात करता कोई। हाँ। अपने बचपन के दोस्तों के नाम याद है अपना? हाँ, 5-7 के। बताइए कौन कौन थे? छज्जू जी था। छज्जू। हाँ। अच्छा जी। बदामा जी था। बदामा। अच्छा। दो जी थे। ठीक है। और जी एक नामा जी था। अच्छा जी। दो भाई थे बदामा और नामा। अच्छा जी। छज्जू करला था, छज्जू के 3 छोकरे हुए, बदामे का एक होया। और जी एक तऊ था हमारा पंजाबा। हाँ जी। पंजाबा। पंजाबा। हाँ। अच्छा। बार नहीं इनके याद है नो, नहीं उधर थे जी उस वक्त। अच्छा। अरे एक प्रताप सिंह था। अच्छा। कौन कौन से खेल खेले करो थे आप बचपन में? बस यार ताश तूस खेल देने। अच्छा, ताश बचपन में? बचपन जब छोटे थे आप? ना छोटे नहीं थे, बड़े थे। नहीं, जब 5-6 साल के थे, 10 साल के थे, कौन कौन से खेल खेले करो थे? लोग शिमाई खेल रहे ना जाकर, या पोच में कोई से खोल रहा ना, पोच सूट रहा ना, रेट्टे की बोली लगाएगा। है जी? रेट्टे की बोली लगाएगा, एक डक्का सूट रहा ना रेट्टे में। अच्छा। फिर उन्हें टोहे करा ना, हाँ आंखा मीच का। अच्छा अच्छा। भाई कौन सी बोली में आज 10-20 बोलियां ला रहे थे। अच्छा अच्छा। बहुत। हाँ। और कोई बचपन की कोई घटना याद हो जो इससे? अच्छा। हाँ, कुछ याद नहीं आया। रोटी नहीं याद खाई, एक तो रोटी भी नहीं याद रही भी खाई थी कि नहीं। ऐसा जमाना आएगा जी। एक दो में 4 साल है, 5 है। 3 दिन का यू पढ़ा यू। अच्छा अच्छा। पहला नंबर कह रहा ना पहले यू, फिर जी हाँ यू पढ़ा था डिबल। इंगली टांग पाड़ का तो नींगा काट देता, इंगली पाड़ का नींगा काट देता। अच्छा। तंग वो भी नुकसान नहीं आए बाल। 4 साल हो गए ना, 4.5। अच्छा अच्छा अच्छा। बेहोश ने देखे थे अंबाला। बेहोश हुए ने अंबाला देखे थे। अच्छा अच्छा। बस ने मैंने फोन डिबल पाए दिया, फिर होश आएगी थी। 4-5 दिन पीछे आई थी होश।
अच्छा यहाँ भी मुसलमान रह करते इस गांव में कोई एक आध कोई एक आधा घर होगा पर नौकरी। अच्छा आपके याद नहीं है? अरिजन तो रहा एक बहुत दिन थोड़ी। अच्छा अरिजन दिन थे मरा नहीं जो भी कुछ था बम उठाए कर वो जमीन जमान बेच कर चले गया था। अच्छा जैसे जब मारकाट हुई थी जी उस मारे यहाँ के आसपास के लोगों का क्या रोल रहा? बढ़ी हुई रहा जो लोगों ने ज़्यादा पसंद करा लोगों ने। हाँ अच्छा क्यों छोटा गांव था हमारा तो और मंसूर बमा था कोई मुसलमान पसंद परा थे चार मैंने कोई मुसलमान था नहीं जैसे बैंडी थे मुसलमान अरिंदू रहा थे इकट्ठे रहा थे। हाँ बिल्कुल। तो क्या उनमें कुछ आपस में लाग डाट रहा थी ना? पहला कुछ नहीं रहा था किसी में। अच्छा प्यार प्रेम था? हाँ सब में प्यार। जैसे बंटवारा होया तो फिर हुई? अच्छा फिर उनके साथ हुई। काफी सारे मुसलमान यहीं रह गए थे रह गए किस तरीके से रह गए फिर यहाँ? हिंदू बनकर रह रहे। अच्छा मेरा बकाना भी हिंदू बनकर रह रहे जट्ठा चढ़ गया था फिर मार दिया उन्होंने 5-7। अच्छा उन्होंने 5-7 किसने मारे? जट्ठे ने मारे बस हिंदू ने। अच्छा कहाँ से आया जट्ठा? जट्ठा था जी मसूरलागढ़ का यूपी का। अच्छा राणा था यूपी का मसूरलागढ़ का उन्होंने कर रखा था कट रहे बदमाश उन्होंने मारे थे। अच्छा अच्छा कुछ यहाँ के हिंदू भी होंगे जिन्होंने मुसलमानों को बचाने की कोशिश करी है नहीं? हाँ कुछ जिन बहुत सारे बरों के थे जी। अच्छा यूँ कह रहे थे जिन्हें खाया नसूरा उन दिन पूरा। अच्छा उन्हें खाया सूर। अच्छा 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 एक बात बताओ जैसे देश आजाद हो गया और उससे पहले गुलाम था क्या फर्क आया आजाद होने के बाद क्या फर्क आया देश? बस भी कुछ आ गया जी फिर तो फिर भी लड़ाइयाँ हुई कहीं कहीं नहीं है जी मगर लड़ाइयाँ होती रही फिर तो बस नहीं फिर भी और क्या फर्क आया बस जैसे आम जनता की हालत थी अंग्रेजों के टाइम में और आज के टाइम में उसमें कुछ बदलाव आया जी? हाँ जी हाँ जी आया। अच्छा जो खुशियाँ आई लोगों की हाँ सबकी खुशियाँ आए। अच्छा किसका राज अपना अच्छा लगा ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या फर्क है? कोई कहीं बैठो कहीं आंसो बोलो चलो मौजियाँ भी नहीं। अच्छा ईब माँ और पहला माँ क्या फर्क आया क्या महसूस करो भाई? पहला ज्यादा अच्छा टाइम था या ईब ज्यादा अच्छा टाइम है? ईब अच्छा है राजी। अच्छा पर ईब भी वो है बात भाई एक जगह कोई बैठ रहा मरा तो पूरा 20-20 हो जाते हैं जगह सारा रात होकर पी यहाँ के लोग। अच्छा मेल मिलाप का टाइम यानी कि मेल मिलाप था सब में तो खुद दोनों भाई यहाँ कह रहे अरे बताए गए ना भाई ने बोल रहा कहते ही पहले उन जितनी बातें कहाँ हैं तो क्या लगा इब आप बच्चों ना क्या बात करना चाहोगे जो नई पीढ़ी है हमारे जैसे जो बच्चे हैं उन्होंने आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई क्या करना चाहिए बच्चे ताकि अमन चैन रहा देश? बच्चे तो ना तेरे मानना ना मेरे मानना बच्चे तो कन्यू करे तो बाहर न मुल्क में जाएंगे। क्या दिक्कड़ा का वहाँ रे जो सौदा नहीं करता वहाँ किसों कर लेगा माला जाएगा खुद पोतला। अच्छा चलेगा न जाएगा? अच्छा जाएगा लगा भी जा। अच्छा अच्छा कहाँ जा रहा? नहीं जा कहीं दूसरे मुल्क में जहाँ डेर हुआ कनेडा जंदा कनेडा दो गया इधर ये खान पर जैन पर आप तो खूब गए बड़ा भारी इनके बारे में बताओ कुछ बात खान पर के बारे में बताओ कोई बात बस खान पर तो नहीं मुंशी वगैरह मुंशी
अच्छा जी अच्छा अरबान के जमीन ना थी हां सरदार बसरान का अच्छा जी रोपड़ पे हां सरदारों का किले मारा हुआ ले ले इंगा गली पे नहीं गए एक नहीं फाक पे घर बसे हां अच्छा देश का जब बंटवारा हुआ आप कहां कौन से गांव में थे यहीं थे या कहीं और थे जमुना नगर जा रहे थे अच्छा जमुना नगर जा रहे थे किन के गेल वो यार वे फिरन फिरन अच्छा 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 कुश्तियों काश्तियों का मारा जा रहे थे अच्छा हाँ तो आपकी उसमें दंगल में काफी रुचि रही हाँ बहुत ज्यादा खुद भी पहलवान थे क्या थे भाई अच्छा जी हाँ जी वाह जी वाह थे भाई थे खानपुर का गुर्जाल वादी था अच्छा हर जी और फौजों ने पांच रात शेरू आजाद जेलदार का अच्छा हाँ हर जी शेरू भी आजाद था हाँ बस जोर करेगा तो फिर अपना कहीं कुर्सियाँ लगा दें वहाँ चले जहाँ से जो मेरे लगो जो कहीं लगो अच्छा जी अच्छा तो कोई बड़ी कुश्ती के बारे में बताओ अपने जैसे आपने कुश्तियाँ देखी भी हैं करी भी हैं हाँ बड़ी कुश्ती के बारे में पूरे का था जो करनाल को मिजूर अच्छा जी बाणियों का पड़े या अड्डा बड़ा पेट था उसको मेरे तो उसके लंबे हो गया मन्ना लारे में लाएगा अक्षर वो लगा कर मेरी कुश्ती क्यों खो मेरे 100-150 रुपये बन जा अच्छा। और इतने सर जा कर रहा है मेरे बच्चे मर जाएगा मम्मा लड़ गया फिर मैं कहा भैया आ जा बस देखे जाके जो कुछ अच्छा मैं फिर मारा दो फिर पटक पटक अच्छा जी वाह जी वाह जान भी जो टेक दिन थी आधा किलो तो मैं टिंडी खा दूँ रोज क्या बात है जी इतनी मसा थी 40-45 जंगल थे सारा अच्छा जंगल में कभी घास की मुट्ठी नहीं गिरी डंगर जंगल में चुके बस तो जैसे डंगर किसी के खेत खात में भी कुछ जानते होंगे कुछ जानते अच्छा फिर क्या मोर लेते बनाना अब चौकस रहा थे खेतों रहा फिर कर ले एक अच्छा जैसे पहलवानी की बात बता रहे आप लाडवे का भी तो एक बड़ा मशहूर पहलवान हो गया था अब्बन पहलवान था अब्बन बताओ वो भी उसका भी बड़ा नाम था हाँ जी बस लाडवे का था अरे पौंडे लायक रहा मारा और ज्यादा पौंडे क्या पौंडे करने जो मिल बीते पौंडे अच्छा दौड़ने का एक करने का दो पैसे का पौंडे बेचे रहे उस टाइम का कोई नामी पहलवान के बारे में बताओ कुछ मैंने तो ये देखा भी और करनाल जो नामी अच्छा अच्छा उस टाइम बताओ पहला सांग हो एक रहा थे खूब सांग भी बहुत है सांग बड़े बड़े अच्छा एक था सांगी क्या नाम था कुंदन कालवे वाला कालवे वाला हाँ अच्छा अरे एक फिर यू कोई गया धर्मपाल भूत माजरा धर्मपाल जाट ने फिर संगीर एक यूपी का था क्या नाम उसका नाम मैं चूक रहा अच्छा तो सांग देखने कहाँ कहाँ गए कितनी दूर दूर गए आप सांग देखने तो 5-5, 7-7 कोस चले जाते अच्छा जी अच्छा कट्ठे जाने लग लगाने जाते जाते होंगे पांच सात जाकर चले जाना कट रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी अच्छा जी